नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। हम पढ़ रहे हैं BSc एग्रीकल्चर की मैथ और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लिमिट, यानी हम सीमा पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, काफ़ी क्लासें हमने लगा ली है। जो पिछली क्लास लगाई मैंने वो जो पीछे भी क्लास लगाई उससे अलग रही थी हमारी, और मैंने बताया था कि डी हॉस्पिटल रूल से भी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है लिमिट में। तो देखिएगा, वो क्लास आपने देख ली है, अगर नहीं देखी है तो वो क्लास पहले फॉलो कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि द्विपद प्रमेय से प्रसार करने पे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है भी, वो आपको 18-20 जो सूत्र थे वो आपको याद करने थे। देखिएगा, अब वो झंझट नहीं है। अगर कोई भी जो द्विपद प्रमेय से क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहता है, अगर किसी ने याद कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया, उससे कर लीजिएगा, अन्यथा डी हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या याद होने जरूरी है, अवकलन याद होने जरूरी है, और अगर अवकलन अभी तक याद नहीं है तो मैं कहता हूं आप मैथ में पास नहीं होंगे। हाँ, ये मेरी गारंटी है, अगर किसी को अवकलन आता है अच्छे तरीके से तो वो क्या है मैथ में पास हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ 40% यानी जो 40 नंबरों का काम आता है वो अवकलन से आता है। 100 में से 40 नंबरों का काम अवकलन से आता है, और यहाँ पर लिमिट में भी वो काम है करेगा अवकलन। तो देख लीजिएगा, 40 नंबर तो वो, और यहाँ पे 10-12 नंबर का लिमिट का काम आएगा, वो भी अवकलन पे ही आधारित है। तो देखिएगा, लगभग हाफ पेपर क्या है अवकलन में ही सीमित हो जाता है, तो वो आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, इसके बाद में ये क्लास फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमारी जो क्लास है वो 7:30 बजे ही रहेगी, जो पहले सुबह मैंने 7 बजे क्लास लगाई थी उसमें कैंडिडेट ज़्यादा संख्या में नहीं आए थे, इस कारण जो आपकी क्लास है वो 7:30 बजे ही रहेगी। और जो आपका एग्जाम है मैथ का जो एग्जाम होने जा रहा है वो दिसंबर में जाएगा, ठीक है, दिसंबर में। तो देख लेना, आपके पास में टाइम टेबल आ चुका है, वहाँ पे देख लेना जो कितनी तारीख है, मेरे अभी याद नहीं है तो वो देख लेना, दिसंबर की है, लगभग 8-10 तारीख के इक्वल होना चाहिए, या तो 10-11 तारीख के, जहाँ पर भी है आपने देख लिया होगा। तो दिसंबर में आपका मैथ का पेपर होगा, और सायं हमारी 7 बजे क्लास रहती है, तो डेली आपको उस क्लास में आना है, शाम के 7 बजे हमारी क्लास डेली रहती है। और जितने भी कैंडिडेट अभी देख रहे हैं क्लास को दब के शेयर कर दो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या शेयर कर दें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से अभी वो नहीं है, वो जानकारी नहीं है, उनको भी मैथ की एग्रीकल्चर मैथ की क्लासें लग रही है अच्छे तरीके से, कहीं पर भी एग्रीकल्चर की क्लासें आपको ऑनलाइन उपलब्ध कोई नहीं करवाएगा। ओनली फॉर इनोवेशन वाईफाई स्टडी चैनल पे ही आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी जॉब की कोई वैकेंसी आती है उससे संबंधित वीडियो मिलेगी, और मैथ की, और आगे आगे जैसे हम प्रगति करते जाएंगे वैसे जैसे जिस प्रकार से आपका साथ रहेगा उस प्रकार से हम आगे बेहतर प्रमोशन करेंगे। तो देखिएगा, आपके लिए एक आज की क्लास हमारी रहेगी ये इस सूत्र पे रहेगी, लगभग हमारा ये सूत्र है, 4-5 क्वेश्चन इस पे हैं हमारे, तो वो कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। देखिएगा, लिमिट की हमारी क्लास है, देखिएगा क्लास हमारी शुरू हो गई है, आप कहीं मत जाना, यहाँ यहीं पर बने रहना। देखिएगा, ये हमारी ए आर की स्क्वेयर, ए आर की क्यूब, इस प्रकार से हमारे अन्य पदों तक का योग करना होता है कोई भी इक्वेशन का, तो उसके अन्य पदों का योग का सूत्र हमारे पास, उसको शो करते हैं, एस नीचे इसके पैरों में अन, एस एन इजिकल टू ए 1-r के पावर n अपॉन में 1-r, जहाँ पे a क्या है प्रथम पद है, जहाँ पे क्या है a क्या है प्रथम पद है, और r क्या है सर्व अनुपात है, क्या है सर्व अनुपात है, क्या है भी सर्व अनुपात है, जहाँ पे r क्या है सर्व अनुपात है, a यहाँ पे प्रथम पद है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये आपका सूत्र है, इस पे एक क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू जीरो 1/2 + 1/2 / 2 + 1/2 / 3 + (...) 1/2 / n, इस प्रकार से इक्वेशन जाती रहेगी, अन पावर तक चली जाएगी। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, किसका मान है, इस इक्वेशन का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो ये देखिएगा ये ब्रेक्ट वाली वैल्यू है वो इसके इसी तरीके की है, यानी अन पदों का योगफल यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान पहले हम निकाल लेते हैं,
जो ब्रैकेट के बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना मान, इसका मान मैं निकालूंगा तो यहां से मेरे पास a का मान कितना है, 1/2। b का मान कितना है मेरे पास में, b का मान बताइएगा मेरे को, b का मान मेरे पास में है a/4, यानी 2 की स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। शार्व अनुपात की बात आती है, r का मान निकालेंगे तो शार्व अनुपात क्या होता है, अनुपात का मीन्स होता है भाग देना। शार्व अनुपात का मीन्स क्या होता है, भाग देना होता है, और b में मेरे को a का भाग देना है तो यहाँ से 1/4 अपॉन में 1/2 कितना मान आ जाएगा, 1/4 × 2/1 यानी 1/2 मान आ जाएगा। तो हमारे पास में a का मान आ गया 1/2 और r का मान कितना आ गया गाइस, 1/2। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे आसन वाले में तो हमारे पास इस वैल्यू का मान आ जाएगा, किसका, जो ब्रैकेट के अंदर जो मान दिया गया है उसका मान हमारे पास में आ जाएगा, अन्य पदों का योगफल हमारे पास में आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू a का मान मेरे पास में 1/2 1 r का मान मेरे पास में है 1/2 की पावर कितनी है भाई, n है ना, n लगा दिया, अपॉन में नीचे क्या है 1 − 1/2। अब देखिएगा इसको सोल्व करते हैं तो 1/2 1 − 1/2 की पावर n अपॉन में, देखिएगा नीचे एक तो प्लस का है, माइनस का हाफ है तो प्लस का हाफ बच जाएगा और इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो हमारे पास में एस एन का मान बचेगा 1 − 1/2 की पावर n, 1 − 1/2 की पावर n हमारे पास में बच जाएगा, किसका मान, एस एन का मान। अब ये एस एन का मान यहाँ पे हम रख सकते हैं ना, यहाँ पे रख सकते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा लिमिट n tends to infinity, n tends to infinity और हमारा ये ब्रैकेट का मान कितना आ गया 1 − 1/2 की पावर n, 2 की पावर यहाँ पे n है ना, n कर लेना भी, हाँ ये n है। अब हमें n का मान रखना है और n का मान कितना है, इन्फिनिटी है, कितना है, अनंत है, और किसी की पावर यहाँ पे अनंत करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम मैं पढ़ूंगा अभी लिमिट, अब मैंने लिमिट पुट कर दिया ना, ये n का मान यहाँ पे पुट करूँगा तो ये लिमिट का प्रतीक मेरे को शो नहीं करना है, तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा 1 − 1, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस कर देना, 1 − 1/2 की पावर अनंत, और 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, अनिर्धारी है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, तो 1 − 0 = 1 कितना आ जाएगा, 1 − 0 ये मान 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 − 0 तो यह आ जाएगा 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है गाइज। यहाँ तक क्वेश्चन को इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, इस पर लगभग हमारी जो बुक में है दिए गए क्वेश्चन हैं, जितने 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं, तो देखिएगा जिस किसी को भी अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद रखना है भी a r यहाँ पे r के पावर में वृद्धि होती जाएगी और अन्य पदों का ये योगफल है, और अन्य पदों के योगफल को हम लिखते हैं sn से, इसको डिनोटेड किया गया है, a यहाँ पे है 1 − r की पावर n अपॉन में 1 − r, जहाँ a क्या है प्रथम पद है और r क्या है शार्व अनुपात है, और इस प्रकार से आप एस एन का मान निकाल लोगे और यहाँ पे वापस मान रख देना, और जो लिमिट है आपके n tends to infinity वो यहाँ पे रखोगे तो 1 − 1/2 की पावर इन्फिनिटी यानी ये 0 हो जाएगा, 1 − 0 यानी 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा सभी को डाउट क्लियर हो रहे हैं ना, हाँ कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए भाई, डाउट को हमें क्लियर करना है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हो आप भी, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 + 1/3 2 + (#) + 1/3 की पावर n का मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है,
इसका मान हमें निकालना है गाइस, तो आप कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, यानी हमें सर्वप्रथम क्या निकालना है, एस एन का मान निकालना है। तो जिस किसी को भी आ रहा है वो एक बार वीडियो को रोक दीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा अपनी नोटबुक में, और वहाँ से सोल्व करने के बाद में मेरी वापस वीडियो चलाइएगा और मिलान कर लीजिएगा, और जिसको नहीं आ रहा है वो इधर देखिएगा, लगातार बने रहिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना भाई, यानी डाउट को हमें क्लियर करना है मक्खन की तरह, डाउट हमें साथ में लेके नहीं चलना है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो मेरा ये मानना है भी मैथ आपके समझ में नहीं आएगा, जितने भी आगे के क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएंगे, तो कमेंट कर देना। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और दिल से क्लास को शेयर करना भी, दिल से ही क्लास को लाइक करना, दिल से क्लास को शेयर करना, दब के शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी अपने फ्रेंड हैं उनके पास हमारी क्लासों को पहुंचाने में हमारी मदद करें। देखिएगा लिमिट, यहां से मैं प्रथम पद लेके आता हूं 1/3, द्वितीय पद मेरे पास में आता है, बी का मान मेरे पास में आता है 1/9, और आर का मान कितना आता है, बी अपॉन में ए आता है, तो यहां से 1/9 अपॉन में 1/3, तो ये मान आ जाता है 1/9 × 1/3/1। दिखाई दे रहा ना, कट तो नहीं रहा सर, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1/9 × 3/1, तो हमारा जो r का मान आएगा वो 3 × 3 × 3 = 9, तो हमारा जो r का मान आएगा वो आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमारे पास में a का मान आ गया और r का मान आ गया, ये मान आप एसएन वाले सूत्र में रख सकते हो। तो यहाँ से आप रखोगे ना गाइज, तो एस एन इज इक्वल टू आपके पास में a का मान कितना है 1/3 माइनस r का मान कितना है 1/3 की पावर n, यहां से ये बड़ा ब्रैकेट बना देना, ठीक है ना, और नीचे है 1 माइनस 1/3, तो ये आपके पास में बन जाएगा 1/3। सभी को दिखाई दे रहा ना, और यहाँ तक सभी को समझ में भी आ गया होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे a का मान पुट किया है और r का मान पुट किया, ये पावर n है तो मैंने यहाँ से पावर n लगा दिया है भी। यहाँ इसके बाद में हमारे पास में बनेगा 1 माइनस 1/3 की पावर n अपॉन में नीचे क्या बनेगा, इसका एलसीएम ले सकते हो 3, और इसका एलसीएम 3 आएगा, यहाँ से 3 × 3 − 1 = 2/3, तो 2/3 तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एस एन का मान कितना आ जाएगा 1/2, ये 1 − 1/3 की पावर n ये मान आ जाएगा। ये मान हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, तो वापिस हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है लिमिट x जो n है ना, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से हमारा मान आ जाता है 1/2 1 − 1/3 की पावर n, तो यहाँ पर आप मान रख सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आपने ये मान यहाँ पे रख दिया, n की जगह इन्फिनिटी रख दिया, तो ये मान कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, ये मान 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया 1/2, यानी 0.5, यानी हाफ आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चनों का अगर एक साथ में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब मैं लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपके। अब देखिएगा, जो मैंने नीचे ही नीचे फर्स्ट क्लास में आपको 3 सूत्र बताए थे, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आपको बताया था मैंने, कि प्रथम अन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम अन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम अन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग किस प्रकार से शो करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, वहाँ उसी पे एक आधारित क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो देखिएगा, ये हमारे पास में काम नहीं आएगा, चलिएगा कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिएगा, चलिएगा मिटो ही देते हैं इसको भी साथ में।
अब देखिएगा आपके लिए एक नया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। लिमिट हमें इसका मान बताना है, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³, जो ब्रैकेट में वैल्यू है 1² + 2² + 3² + 4² + इस प्रकार से डॉट डॉट चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, n की स्क्वेयर का मान हमें ज्ञात करना है। ये देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो आसानी के साथ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जो आपका लास्ट सेकंड फॉर्मूला था फर्स्ट क्लास में, वहाँ से देखिएगा, वहाँ से अगर आपने नोटबुक में लिखा है तो देखिएगा वहाँ से आपको याद भी होगा। हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, मैंने ये बताया था भी समेशन का चिन्ह n का स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 2n+1 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा। फिर प्रथम प्राकृत संख्याओं के, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-1)(2n-1)6। तो यहाँ से हम उसको आसानी के साथ में कर सकते हैं, यानी ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसका मान मेरा कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। यानी यहाँ से ये प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है, वो संख्याएं जो एक से शुरू होकर और अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। भी प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी जाए आपसे तो एक होती है, न कि जीरो होती, न कि कोई माइनस में वैल्यू होती, पॉजिटिव हो रहेगी सबसे छोटी संख्या एक, और उससे अगर बढ़ती जाएगी चलती जाएगी। तो यहाँ आपके पास में ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसका मान कितना आ गया आपके, ये आ गया। तो मैं यहाँ पे ये रख सकता हूँ ना, हमारा क्वेश्चन ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये कोई नई बात नहीं है आज की क्लास में, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। पहले फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे, उसमें मैंने बताया था भी इसमें भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो देखिएगा सभी सूत्र आपको याद करने हैं। और ये भी कंपटीशन एग्जाम की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान पुलिस के ए पार्ट में ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो देखिएगा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सूत्र। तो यहाँ से हमने ये मान रख दिया 1/n³, इसका मान हमने रख दिया n माइनस वन, ये रहेगा 2n-प्लस है ना, हाँ प्लस कर देना, n n+1 2n+1 यहाँ हमारे पास में रहेगा 6, ये देखिएगा प्लस आएगा भी माइनस नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ नीचे हमारा क्या है 1n³ है ना, अगर मैं इससे कॉमन लूँ, यहाँ मेरा n है, यहाँ से n कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी n कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास में एक n तो ये है डॉट, एक n मैं अगर इससे कॉमन लूँगा तो मेरे पास में क्या पड़ेगा, इस 6 को मैं बाहर लेके आता हूँ यार, अच्छा रहेगा मेरे के लिए, चलो ठीक है बाद में लेके आते हैं। यहाँ से n को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बढ़ गया 1+, यहाँ से रह गया 1/n, और यहाँ से रहेगा 2+1/n/6 क्या है, 6 है, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया। तो अब मेरे पास में यहाँ पे मैंने n को मिल लिया ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ। अब n(n)(n) कितना बन जाता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक बार और समझा दूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पर ध्यान बनाए रखें क्या कुछ हो रहा है बोर्ड की तरफ, 6n³, यहाँ से हो जाएगा n³, ये बन जाएगा 1 + 1/n, और ये बन जाएगा 2+1/n
एन और ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से ये एन की क्यूब से एन की क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब आपको एन का मान यहाँ से रखना है। अगर आप यहाँ से एन का मान रख देते हो तो एक बटे छः हमारे पास में है ही, यहाँ से वन माइनस जीरो, ये वन वन प्लस में जीरो और यहाँ से हो जाएगा वन प्लस में जीरो, ये याद देखिएगा। यहाँ से एक बटे इन्फिनिटी, एक बटे इन्फिनिटी जीरो, एक बटे इन्फिनिटी जीरो, क्योंकि एन का मान हमारे पास में कितना है, एन का मान यहाँ से इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी रखना है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, इसका गुणा इसके साथ में दो, दो बटे छः इजिकल टू वन बाई थ्री एंसर आ जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कट तो नहीं रहा ना सर? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा, जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिस किसी को भी नोट करना है नोट कर सकता है। मैं आपको ये दोबारा बता दूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉमन लेने वाला सिस्टम दोबारा बताऊंगा मैं आपको। ये हमारा क्वेश्चन था, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दे दिया और आपको बोला जाएगा भी इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान आप किस प्रकार से ज्ञात कर पाओगे गाइस, हमें ये याद रखना है भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n n प्लस में वन टू n प्लस में वन बाई सिक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ये आपके याद है तो यहाँ पे इसका ये प्राकृत संख्याएं हैं भी प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं और इसका वर्ग है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, n n प्लस में वन टू n प्लस में वन बाई सिक्स, ये मैंने मान यहाँ पे रख दिया ना, और ये वन बाई एन की क्यूब है यहाँ पे, और लिमिट एन टेंस टू जीरो है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, जीरो नहीं। अब यहाँ से एन मेरा बाहर है और प्रथम ब्रैकेट से मैं एन कॉमन ले सकता हूँ, तो एन कॉमन लेने का मीन्स मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि कॉमन लेने का मीन्स क्या होता है, पूरी जिसमें हम कोई भी कॉमन लेते हैं उसमें जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देना होता है। तो इसमें अगर मैं एन का भाग दूंगा तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, और इसमें मैं एन का भाग दूंगा तो वन बाई एन आ जाएगा, और यहाँ से एन मेरा कॉमन आ गया। अब इससे मैं कॉमन लूंगा तो एन कॉमन आ गया मेरा, और इसमें मैं एन का भाग दूंगा तो यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वन बाई एन, तो टू प्लस का वन बाई एन। अब एन एन और एन कितना बन गया, एन की क्यूब बन जाता है ना, क्यूब बनता है, गुणा है यहाँ पे, जोड़ नहीं है, जोड़ होता तो यहाँ पे क्या होता है, थ्री एन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो गुणा है तो हमारा एन की क्यूब हो जाएगा वन बाई एन की क्यूब से एन की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वन बाई सिक्स बचा और मैंने ये मान पुट कर दिया, ये मान मैंने पुटअप किया तो वन प्लस में वन अपॉन में इन्फिनिटी, और वन अपॉन में इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है, तो ये जीरो ये भी जीरो, तो ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया, इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा दो, और दो का मल्टीप्लाई वन बाई सिक्स के साथ में करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वन बाई थ्री आ जाता है। तो ये देखिएगा अच्छे तरीके से सभी को समझ में आ गया हो तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं आपको लेके चल रहा हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे सभी के डाउट क्लियर हो रहे हैं ना तो लाइक कर दें क्लास को, तो थम्स अप कर दें एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या आती है क्लास को देखने के लिए, अरे आपको टाइम पे बोला जाता है टाइम पे आ जाया करो, आप कोई बीच में आता है कोई बीच में आके चला जाता है, ये क्या सिस्टम है अभी, क्या मैथ आपको ज़्यादा आने लग गया क्या, मुझे तो ऐसा ही लगता है भी आप बीच में आते हो और बीच में आके चले जाते हो। देखिएगा दोस्तों, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भी, लगा लेना इस पे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शानदार सा क्वेश्चन है। चलिएगा गाइस, हमारा चार नंबर क्वेश्चन है लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू, ये हमारा है शेक थीटा माइनस के टेन थीटा, शेक थीटा माइनस के टेन थीटा है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे
तो देखिएगा किस प्रकार से सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे थीटा टेंस टू पाई बाई टू है और पाई का मान हमारा कितना रहता है 180 रहता है और 180 बटे दो यानी 90, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है गाइज 90 है और ये हमारा है सेक थीटा, ये हमारा क्या है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इस पे आप मान पुट कर सकते हो। सेक थीटा आपको सारणी याद है जो टेबल मैंने बनवाई थी, साइन यानी सेक थीटा किसका होता है 1 बटे cos थीटा का होता है, यानी सेक थीटा किसका मान होता है पहले तो ये बताइएगा, ये होता है 1 बटे cos थीटा का, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है ना, तो होता है तो इसको इसमें चेंज कर दो, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू, सेक की जगह क्या रख सकता हूँ 1 बटे cos थीटा माइनस का, टेन थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसका मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम भी ले सकता हूँ अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू गाइज, और ये हमारे पास में हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, अब इसमें पाई बाई टू रख के देखना है, पाई बाई टू रखिएगा यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, पाई बाई टू रखा तो 90 का मान हमेशा क्या होता है कोस 90 का मान हमेशा होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1, तो हमारे पास इस क्वेश्चन की जो कंडीशन बन रही है मैं एक बार रफली काम करके दिखाता हूँ आपको, 1 माइनस 1 अपॉन में 0, 0 अपॉन में 0, ये कौन सी कंडीशन बन रही है 0 अपॉन में 0 की कंडीशन बन रही है। अब देखिएगा हमारा कौन सा नियम यहाँ पे काम करेगा, डी हॉस्पिटल रूल, कौन सा डी हॉस्पिटल रूल यहाँ पे काम करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी हॉस्पिटल रूल, या आप क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर मान रख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाई बाई टू मैंने तो आपको इस तरीके से बताया भी, साइन कोस के मान आसान होते हैं याद करने, भी सभी को याद होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, टेन सेक तक कोई नहीं जाता, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसमें मान रख सकते हैं पाई बाई टू यानी 90, और सेक 90 का मान क्या होता है यहाँ से देखिएगा, मैं आपको निकालना भी बता देता हूँ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो यहां से देखिएगा सेक का मान होता है 1 बटे cos और cos 90 का मान क्या होता है 0, तो 1 बटे 0 और 1 बटे 0 क्या होती है इनफिनिटी होती है ना, अनंत होता है, और ये tan 90 का मान होता है sin 90 का मान कितना हो गया, साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0, तो ये भी इन्फिनिटी। हमारे पास ये कंडीशन कौन सी बनेगी, डायरेक्ट हम मान रखेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। मैंने आपको कल 7 अनिर्धारिय फलन बताए थे, कितने 7 अनिर्धारिय फलन बताए थे, कौन कौन से, 0 अपॉन में 0 वाला, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला, किसी की पावर अनंत हो तो, 0 की पावर 0 हो तो इन्फिनिटी, यानी इस प्रकार से मैंने आपको 7 अनिर्धारिय फलन बताए थे, उन्हीं में से एक है। तो डायरेक्ट अगर आपके डायरेक्ट सेक का और टेन का अवकलन याद है तो यहाँ से डायरेक्ट थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा, थीटा के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन कर दीजिएगा, यहाँ पर भी आप डी हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा सा आपको इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को, यानी साइन कोस के सभी के अवकलन याद रहते हैं, साइन कोस के सभी के मान याद रहते हैं, तो इस कारण मैं यहाँ तक क्वेश्चन को लेके आया हूँ। यानी ये तो सभी के याद हैं, भी सेक की जगह हम क्या रख सकते हैं, टेन की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये सभी के
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये सभी के याद हैं। तो यहाँ पे डी हॉस्पिटल रूल लगाया मैंने, तो लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू। अब ऊपर वाले का अवकलन थीटा के सापेक्ष में वन माइनस के साइन थीटा अपॉन में, नीचे वाले का अवकलन यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा। सभी को दिखाई दे रहा है ना अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, तो यहाँ से लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू, एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन जीरो, साइन का हो जाएगा माइनस के कोस थीटा, क्योंकि माइनस का नहीं होता लेकिन ये माइनस का चिन्ह है इस कारण मैं माइनस लगा रहा हूँ, और कोस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस से माइनस। अब यहाँ पे मान पुट अप करिए, मान पुट अप करोगे तो कोस पाई 90 का मान हमेशा क्या होता है, यहाँ से देखना है आपको, कोस 90 का मान है ठीक है, साइन का होता है कोस और कोस का होता है माइनस के साइन, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आप पुट अप करोगे मान तो आपके पास में क्या बन जाएगा, कोस 90 का मान जीरो होता है, कोस 90 का मान जीरो होता है और साइन 90 का मान एक रहता है, तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, जीरो की आ जाएगी। एक बार आंसर को मैच कीजिएगा, ठीक है हमारा राइट है, राइट आंसर आया है इसका, कितना आंसर आया है, जीरो आंसर आया है। कितना बड़ा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, घबराना मत, एक बार और समझ लीजिएगा, आसानी के साथ समझ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक तो 31 मिनट हुई है क्लास को लगते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये हमारी लिमिट थीटा पाई बाई टू, ये हमारा क्वेश्चन था sec थीटा माइनस का tan थीटा। ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अपने आप में, देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इधर ध्यान देना है। मैंने बताया भी आप डायरेक्ट पाई बाई टू यहाँ पे मान रख सकते हो और यहीं पे आप इसका अवकलन कर सकते हो, यानी डी हॉस्पिटल रूल यहीं पे आप लगा सकते हो, लेकिन बाई चांस अगर आपके मान नहीं याद रहते sec का और tan का अवकलन, तो sec की जगह 1 अपॉन cos रखना है, tan की जगह sin अपॉन में cos रखना है, ये आपको प्रोसेस करनी है। cos इसका एलसीएम लेना है और ये 1 माइनस साइन बन जाएगा। अब यहाँ पे मान पुट अप करोगे तो ये किस कंडीशन का बन रहा है, 0 अपॉन 0 की कंडीशन का बन रहा है, अनिर्धारित है, तो ये अनिर्धारित है, तो यहाँ पे हम डी हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, और डी हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये ऊपर वाले का ऊपर अवकलन नीचे वाले का नीचे अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो देखिएगा हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ये बन गया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कोस थीटा और साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो, इसको हम कोट थीटा भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कोट थीटा भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर किसी के याद है तो इस कोस बटे साइन को हम कोट रख सकते हैं, साइन बटे कोस को टैन रख सकते हैं, या आप यहाँ पे अलग अलग पे मान रख सकते हो, कोस 90 का मान जीरो, साइन 90 का मान एक होता है, तो जीरो बटे एक यानी जीरो हो जाएगा हमारा मान। अगर नीचे जीरो आ जाता तो अनिर्धारित होता है, लेकिन अगर ऊपर जीरो आया तो हमारा जीरो आंसर हो जाता है। जिस किसी को भी ये स्क्रीन शॉट लेना है अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चनों का एक साथ में ले सकते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देखिएगा डी हॉस्पिटल रूल से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चनों को सोल्व करने में, भी बड़े ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिएगा आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, जिस किसी को भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा है तो मेरे को कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे घंटे को भी दबा लें, और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो दिल से क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को फैलाएं, शेयर करें, ताकि और भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ सके और कक्षाओं का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।